नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएनएन टीवी इंडिया। मैं हूं सरोज मेहता और इस वक्त मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं दुनिया की एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर। ये तस्वीर लेकर आने का मकसद ये है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को लेकर गंभीर नहीं है, उसके खतरे को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। सरकार बार बार हिदायतें दे रही है कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तरह के एहतियात बरतें, आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, लेकिन बहुत लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं ये तस्वीर लेकर आपके सामने आया हूँ, आप देख सकें, आप उन लोगों को दिखा सकें। वैसे लोग जो समझते नहीं कि खतरा उन तक पहुँच सकता है, वो लोग इस तस्वीर को देख सकें कि मामला कितना गंभीर हो गया है पूरी दुनिया के लिए। ये जो आपके सामने मैप है, ये आप देख लीजिए, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा तैयार किया गया ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर रियल टाइम डेटा अपडेट होता है दुनिया भर में, तमाम देशों में, अमेरिका, इटली, स्पेन, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, इवन भारत का भी इसमें आंकड़ा है। तमाम देशों में जो रियल टाइम कंफर्म्ड मरीजों का आंकड़ा है वो यहाँ अपडेट होता है मैन्युअली या कंप्यूटर के जरिए, ताकि रिसर्चर्स इन आंकड़ों से स्टडी कर सके। लेकिन यहाँ जो आंकड़ा दिख रहा है वो हमारे आपके लिए बेहद चिंता की बात है, दुनिया वासियों के लिए बेहद चिंता की बात है। ये आप देख सकते हैं, ये चीन का वो इलाका है जहाँ वुहान, हुबेई प्रांत का वुहान का इलाका है जहाँ से ये फैला था, और अब ये देखिए दुनिया के तमाम हिस्से में पहुंच चुका है। ये यूरोप के देश हैं, खासकर इटली में, आपको मालूम है कि इटली में लगातार स्थिति भयावह हो चुकी है, कन्फर्म्ड मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ मौत भी हर रोज़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए कल का आंकड़ा जो है करीबन 10,000 का था और आज का आंकड़ा 12,428 डेथ का इटली का, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आंकड़ा आप देख लीजिए अमेरिका में इस वक्त जो है 1,89,000 कन्फर्म्ड मरीज हैं। अमेरिका में डेथ का आंकड़ा जो है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये करीबन, ये न्यूयॉर्क सिटी का है जो 1,096 हो चुका है, लेकिन वैसे अमेरिका में करीबन 3,500 के आसपास आंकड़ा पहुँच चुका है डेथ का। ये तस्वीर आपके सामने वो बयां कर रही है कि इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड मरीजों की संख्या वो 8,74,081 हो चुकी है। आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले ये आंकड़ा महज 2.5 लाख 3 लाख के आसपास था, लेकिन अब ये आंकड़ा 8,74,000 सिर्फ 10 दिनों में, ये करीबन आप समझ लीजिए कि 6 लाख के आसपास का इजाफा दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों का हुआ है। और कोरोना वायरस से अब तक जो दुनिया में मौत का आंकड़ा है वो 43,537 पहुँच चुका है, जो काफ़ी चिंता की बात है। दुनिया भर में कितने लोग अभी रिकवर्ड हुए हैं वो भी आंकड़ा यहाँ दिख रहा है, 1,85,241 ये रिकवर्ड लोगों का आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा चीन में 76,000 लोगों ने रिकवर किया है, लेकिन स्पेन में 22,000, लेकिन स्पेन में मौत का आंकड़ा देखिए 9,000 के आसपास है। स्पेन में जो मरीजों की संख्या है वो 1,02,136 हो चुकी है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कह रहा है, कितना खतरा हमारे लिए, आपके लिए बढ़ गया है। अभी हमारे देश में बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार की हिदायतें हैं वो मानने को तैयार नहीं है, उन्हें लगता है कि वो बचे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी नासमझी दिखाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सभी देशवासियों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए अभी आप अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, आप खतरे को समझने की कोशिश कीजिए। इस ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ये 0 से 9 लाख तक कन्फर्म्ड मरीजों का आंकड़ा कैसे कैसे बढ़ा है। आप शुरुआत में देखिए, जनवरी में आपको बता दूं, दिसंबर में चाइना में ये मामला सामने आया था, जनवरी में ये बहुत धीरे 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 करके बढ़ा था। इनफैक्ट 22 जनवरी को WHO ने पहली मीटिंग करी थी जिसमें कहा था कि अभी चिंताजनक स्थिति नहीं है कि हम इसे ग्लोबल महामारी घोषित करें। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी भी नहीं है जैसा दिख रहा था आंकड़ों में, हालांकि एहतियात बरता जाना चाहिए था, वो बड़ी भूल हुई WHO से। लेकिन आप ये देखिए, 15 फरवरी तक ग्राफ बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से मार्च के पहले हफ्ते तक ये ठीक था, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते से लेके दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये काफ़ी तेज़ी से ये राइज किया है। ये जो कर्व है आप देख रहे हैं, स्टीप राइज का कर्व है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी का जो आंकड़ा है वो 31 मार्च का आंकड़ा यहाँ दिखा रहा है, वो 8,57,500 दुनिया भर में कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड मरीज हैं। आपके लिए चिंता की बात क्यों है, आप देखिए कि एक दिन में कितना इजाफा हुआ है। 30 मार्च का आंकड़ा क्या बता रहा है, 7,42,400,
यानी 7,42,400 का आंकड़ा था जो 30 मार्च को, जो 31 मार्च को सिर्फ एक दिन में बढ़ के हो गया 8,57,000। आंकड़ा आपके सामने है, आप देखिए कि एक दिन में कितना इजाफा हुआ। ये तकरीबन 80-82 हजार का इजाफा जो है एक दिन में हुआ है कोरोना वायरस के मरीजों का। आपके लिए घबराने की बात नहीं है ये। क्या आपको अब भी सरकार के हिदायतें नहीं माननी चाहिए? आपको मैं दिखा रहा हूं पिछले 10 दिनों में कैसे बढ़ा है ये आंकड़ा। आप यहां देखिए, ये यहां पर तकरीबन मैं 20-19 के आसपास की आंकड़ा देख रहा हूं। ये 18 मार्च का आंकड़ा है, जिसमें 17 मार्च का ये आंकड़ा है, 1,97,000, करीबन 2 लाख के आसपास टच कर चुका है। 18 मार्च को देखिए 2,14,000, 20 मार्च को ये 2,72,000 होता है, लेकिन 2,72,000 से 9 लाख, तकरीबन 9 लाख होने में सिर्फ 10 दिन लगते हैं। ये आंकड़ा क्या कह रहा है? ये आंकड़ा बता रहा है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, जो एक से दूसरे तक पहुंचा है, जो ट्रांसमिट हुआ है, उसमें अब जो लक्षण दिखने शुरू हुए हैं। आपको पता है कि ये 12 से 15-14 दिन लगते हैं इसके लक्षण सामने आने में, तो इतने दिनों में करीबन 2 हफ्ते के अंदर जो स्प्रेड हुआ वो उसके लक्षण दिखने शुरू हुए, और जब दिखने शुरू हुए तो वो आंकड़ा अचानक से तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। अब देखिए कि अमेरिका ने अभी भी लॉकडाउन का फैसला नहीं किया है। कोरोना वायरस का मामला सामने आने के बाद अमेरिका ने बार बार चीन को कोसा, आपने एहतियात नहीं बरते, इससे दुनिया भर में फैला, लेकिन अमेरिका खुद ये गलती कर रहा है और उसका अंजाम अब अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में मुझे लगता है कि अमेरिका का आंकड़ा करीबन 50-60 हजार मरीजों का हो गया है। इटली में भी ये आंकड़ा जो है काफी तेजी से बढ़ा है। अमेरिका की तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, अमेरिका में ये अमेरिका की तस्वीर देखिए, आपके सामने मैप पर दिख रहा है, इसको मैं बड़े स्क्रीन पर लेता हूं। ये अमेरिका की तस्वीर है, अमेरिका का कोई इलाका नहीं बचा है जहां पर कि कोरोना वायरस के मरीज नहीं है। मतलब ये कम्युनिटी स्प्रेड बहुत तेजी से फैला है और पूरे अमेरिका को ग्रिप में ले चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप न जाने क्या चाहते हैं। अमेरिका में जो करीब 3,500 लोगों की मौत हुई, उसमें से ज़्यादातर लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई, करीब 1,000 के आसपास का आंकड़ा न्यूयॉर्क से ही है, बाकी इलाकों से काफ़ी मौत हुई है। लेकिन पता नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या चाहते हैं, उनके लिए इकोनॉमी शायद ज़्यादा बड़ी है। अभी तक उन्होंने लॉकडाउन का फैसला नहीं किया है, लॉकडाउन को बार बार टाल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो है सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि लॉकडाउन करना चाहिए। हालांकि अभी भी उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने ये अब अपडेट किया है कि अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा जो है 1 लाख से 2 लाख हो सकता है। ये कल की खबर है, मैं आपको बता दूं, कल का जो आंकड़ा सामने आया था उसके हिसाब से अमेरिका में मरने वालों का जो एक अनुमान है वो 1 लाख से 2 लाख तक जा सकता है, ऐसा उनके सलाहकार ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया। इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप पता नहीं क्या चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए शायद इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी है और उन्होंने इस वजह से अमेरिका को अभी भी लॉकडाउन का फैसला नहीं किया है। आप देख सकते हैं पूरे अमेरिका में ये बुरी तरह फैल चुका है कोरोना वायरस। इनफैक्ट चीन से ज़्यादा बुरी हालत जो है इस वक्त अमेरिका की है, इटली की है, यूरोपीय देशों की है, जर्मनी में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, बहुत रफ्तार इसकी तेज़ है। हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे आंकड़ा दिख रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। पाकिस्तान का आंकड़ा आप देख लीजिए, 2,000 के आसपास मरीज़ यहाँ भी हैं। इंडिया में करीब 1,637 मरीज अभी तक के आंकड़े के हिसाब से हैं। आंकड़ों के मामले में हम थोड़े से भी बचे हुए हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये खैर मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद आपको यही था, ये जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, हमारा मकसद यही है कि एक बार जब फैल जाता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। तो अभी हमने थर्ड स्टेज में प्रवेश किया है भारत ने, तो हो सकता है कि अभी ये रफ्तार आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम खतरे से बिल्कुल बचेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर हिदायत दे रहा हूँ, आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। जो सरकार हिदायतें दे रही है अपने आप को बचाने के लिए, सरकार जो भी आपको निर्देश दे रही है उसका सख्ती से पालन करिए। आप खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को, लोगों को सुरक्षित कीजिए, और आप सुरक्षित रहेंगे पूरा देश सुरक्षित रहेगा। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल SNTV इंडिया के वीडियोज़ को देखिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
क्योंकि हम आपको हमेशा अच्छी खबरें देने की कोशिश करते हैं, हम आपको ट्रस्टवर्दी खबरें देने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल झूठ फैलाना नहीं है। हम जो भी खबर दिखाते हैं, कम खबरें दिखाते हैं, लेकिन हम काफ़ी सोच समझकर अच्छे रिसर्च के साथ आपके लिए खबरें ढूंढ कर लाते हैं। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें एक डॉक्टर की बात अगर चीन ने सुनी होती तो शायद दुनिया में इतना बड़ा जो खतरा है वो आज दुनिया इससे महफूज रहती। कोरोना वायरस का ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है उससे शायद दुनिया बच जाती। ये डॉक्यूमेंट्री इससे पहले के वीडियो में हमने दिया है, वो आप ज़रूर देखिए और उसे हर किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देखेंगे, पसंद करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अमेरिका को उसके स्वास्थ्य विभाग ने ही राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह किया है, उन्हें अपडेट किया है, अलर्ट किया है कि अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख के आसपास मौत का आंकड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई, अगर खतरे को नहीं ठीक ढंग से हैंडल किया गया तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, बहुत भयावह होने वाली है। और ये आंकड़ा आपके सामने है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज़ी से हुई है। हमारे देश में भी वो वक्त आएगा, अभी आया नहीं है, लेकिन हम आप चाहें तो मिलकर स्थिति को कंट्रोल में भी रख सकते हैं। वो इस तरह से कि हम जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करें, हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर जो सरकार ने आपको टिप्स एंड आइडियाज़ दिए हैं उसे उसका पालन करें। मसलन हाथ धोना है, ख़रीदारी करनी है तो वहाँ पे आपको एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर राशन का ही सामान लेने के लिए बाज़ार निकलते हैं तो वहाँ पे जो ज़रूरी एहतियात हैं वो आपको ज़रूर बरतने चाहिए। जितनी कोशिश हो, जितना संभव हो, अपने आप को घर के अंदर रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, इसका सख्ती से पालन करें। धन्यवाद।